सबसे पहले जो हमारे पांच वर्स्ट केसेस हैं उनके बारे में अपडेट। देवी जो क्रुएलिटी केस थी वो पहले से इतनी बेहतर है कि उसने वॉक्स पे भी जाना शुरू कर दिया। नरगिस जिसके शरीर पे एक भी बाल नहीं था अब उसकी पूंछ पे बाल आ गए हैं, पैर पे बाल आ गए हैं, मुंह पे बाल आ गए हैं, उसके बाल ही बाल आ गए हैं। लेकिन गजराज के साथ वही हुआ जिसका हमें डर था, एक्सरे में पता लगा कि उसकी हड्डी इतनी गलत जुड़ चुकी है कि अब इसका कोई समाधान है नहीं। थैनोस जो हमारा दूसरा बैल है जिसके पीनस पे दो तीन जगह कट थे वो पहले से बहुत बेहतर है, उसका इन्फेक्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है और इन्फेक्शन पूरी तरह क्लियर होते ही हम उसकी सर्जरी करा देंगे। मानसी जिसको मानसी जी लाई है उसके बारे में आपको बताएंगी ज्योति। हमारे पास एक रेस्क्यू अभी स्कोर से भी आया है जिसको मानसी जी खुद यहाँ पर ले आए हैं। इसकी स्किन पे फंगल इन्फेक्शन है और डेमोडेक्स भी है और इसे दो मैगेट वुंड भी है बॉडी पे जिसकी ट्रीटमेंट हमें पहले करनी होगी। मैगेट वुंड जब हील हो जाएगा तब हम इसकी स्किन की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे जिसमें हम मेडिकेटेड बाथ और जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो प्रोवाइड करेंगे। जो डॉग है वो अबैंडन्ड पेट है और किसी ढाबा के बाहर वहाँ पर रह रहा था काफ़ी दिन से। उसकी कंडीशन वैसे तो ठीक नहीं है लेकिन होपफुली कुछ दिन की ट्रीटमेंट के बाद ये बेटर हो जाएगी। हमें दो डॉग्स के लिए कॉल आया था जिसमें से एक डॉग को हमें स्पेस सर्जरी के लिए यहाँ लाना था और जो दूसरी डॉग थी उसको टीवीटी का इशू था। दोनों डॉग की कैचिंग के लिए पहले हमने ये कोशिश की हम उन्हें ट्रीट से प्यार से उन्हें पकड़ लें लेकिन बहुत टाइम लगने के बाद भी ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर हमने यूज़ किया पोल एंड रोप एक डॉग के ऊपर क्योंकि वो टंकी के पीछे छुपी हुई थी। उसको तो हमने पोल एंड रोप से निकाल लिया लेकिन वो जोर जोर से चीखने लगी और अग्रेसिवली बिहेव करने लगी। उस आवाज़ से जो दूसरी डॉग थी वो वहाँ पे आ गई। हम वो जैसे ही यहाँ पे आई हमने उस पर नेट डाल दिया और उसको पकड़ लिया लेकिन जो दूसरी डॉग थी टीवीटी वाली उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा के उस नेट को फाड़ दिया और वो भाग गई वहाँ से। जो स्पे वाली डॉग थी उसकी स्पे सर्जरी धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू में हो चुकी है और अब वो कुछ दिन में वापस अपने एरिया भी पहुँच जाएगी। और लेकिन जो टीवीटी वाली डॉग है उसके लिए हमें फिर से कोशिश करनी होगी और इस बार हमने प्लान किया है कि हम उसे पकड़ेंगे और यहाँ पर ले आएंगे ताकि उसके डोजेज हैं विनक्रिस्टीन की जो ट्यूमर के इशू के लिए उसको लगनी है अगर एक भी डोज मिस हुआ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी इसलिए हम उसे यहीं शिफ्ट कर लेंगे। अभी हम दुलारी को रिलीज कर रहे हैं, इसको खरागोशाला में शिफ्ट करने वाले हैं और हम तो वहाँ पे जाते ही रहते हैं ट्रीटमेंट वगैरह के लिए तो फिर ये हमारे ध्यान में भी रहेगी और यहाँ पे हमें नए रेस्क्यूज के लिए जगह मिल जाएगी थोड़ी। बस इसको ट्रीटमेंट नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये छोटी भी है और इसको तकलीफ है इसलिए हम इसको सरा गौशाला शिफ्ट। और इसका इंजरी हील हो गया क्या? इसको इंजरी नहीं थी, इसका जो फ्रंट लेग है वो जमीन पे नहीं रख पाती थी और ये ऊपर की तरफ बेंड हुआ हुआ था तो ये जितना अभी यूज कर पा रही है वो उतना भी नहीं यूज करती थी उस टाइम पे। तो हमने स्प्लिंटिंग की थी और जैसे हमने बताया था कि 100% तो श्योरिटी नहीं है कि पूरा ठीक हो जाएगा लेकिन जितना कर सकते हैं उतना हमने स्प्लिंटिंग के थ्रू ठीक कर दिया है। ये मानसी है ना? हाँ जी सर। उस टाइम पे हमने केस के लिए ऑलरेडी भेजा हुआ था ना जिस केस को लाना था वो केस पकड़ा भी गया था और उसी टाइम पे ये पहुंची लेकिन हाँ वो केस भाग गया गाड़ी में आने के बाद वो बात अलग है तब इसके लिए जगह बन गई। हालांकि ये हमारे लिस्ट पे थी पेंडिंग में क्योंकि इसके बारे में हमें पहले गौरव ने इन्फॉर्म किया था। ये बैंडन पेट है और किसी ढाबा के बाहर रह रही थी तो हमें इसको लेना था लेकिन दिक्कत ये हुई कि हमने सोचा था कि दो दिन बाद लेंगे करके। तो मुझे एक बात बताओ, नूरपुर में आप हैंडल कर लेते ठीक से वो केस आ जाता फिर आप इसको कैसे करते मैनेज? सर मैं कुछ वही अरेंजमेंट एडजस्ट। तो आपको जो इनकी रेस्क्यू है उनको बताना चाहिए था ना। इनफैक्ट अगर आप भी कहीं भी किसी रेस्क्यू में जा रहे हैं तो आप पहले उनको फ़ोन करके पूछ तो लीजिए उनके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है। आप जैसे किसी एनिमल को यहाँ पर ले आते हैं और ये हमारे साथ अक्सर होता है, आप एनिमल को यहाँ ले आते हैं आपकी हमारे से एक होप है एक्सपेक्टेशन है फिर हम उस एनिमल को ले नहीं सकते। एक तो इसको देखिए, मतलब इसको देख के हमारा ही मन नहीं करेगा कि इसको नहीं ले सकते, पर अगर हमारे पास जगह ना हो हमें मना करना पड़े फिर क्या होता है, फिर फेसबुक पे गंदे गंदे कमेंट आते हैं कि भाई ये तो फ्रॉड है। अरे फ्रॉड थोड़ा है, ये जो सारे एनिमल हैं कोई ये स्टफ टॉय थोड़ा है, है ना। हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं या जो स्टाफ है ये सब क्या कोई ये थिएटर का सेट है। एनीवे फिर वो नूरपुर वाले डॉग का हुआ क्या? उस दिन तो वो भाग गया और फिर अगले दिन मॉर्निंग में फिर जो उसके कॉलर थी सुनी थी उन्होंने उसको कैसे भी मैनेज करके कंस्ट्रक्शन साइड में क्लोज किया कहीं पे। उसके बाद हम लोग फिर डिसीजन लेना थोड़ा हाँ क्योंकि एक बार हम गए थे और हमारी वजह से वो छूटा था तो हम दोबारा फिर इतना दूर हमें जाना पड़ा और उसको हम लेकर आए। इस डॉग को वायर ट्रैप लगी थी पेट में भी और पैर में भी। जो कॉलर थी हमारी सुनी थी ट्रैप तो उन्होंने पहले खोल दी थी, अभी उसे यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल चुकी है। हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द से जल्द उसकी एम्पुटेशन सर्जरी भी कर देंगे। और जगह कैसे बनाई? जगह उस दिन लकीली ये हुआ कि इमरती के जो कॉलर थे
जिनका नंबर नहीं मिल रहा था वो खुद उस दिन अचानक आए और उन्होंने बोला कि वो दोनों का ध्यान रख लेंगे और वो दोनों को लेके चले गए। तो भगवान वजह ऐसे हो गया, नहीं तो नहीं हो पाता। इमरती को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने मुझे बताया कि इमरती ऑलरेडी किसी की डॉग थी, जब वो लेकर आए थे तब उन्होंने हमें बताया नहीं, क्योंकि वो लोग उसका ध्यान नहीं रखते थे, ये बाहर भटकती थी है ना। तो वो आंटी जो थी वो खुद इसको खाना वाना अपने घर से प्रोवाइड करती थी, वो आती जाती रहती थी घर पे, और उसके बाद उन्होंने बच्चे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इमरती वही रहेगी। हाँ, तो इमरती उन्हीं के यहाँ रहेगी जिनकी वो पेट है लेकिन जो उनका ध्यान नहीं रखते। मतलब बाहर रहती है ना इमरती डॉग। अच्छा। बाहर भटकती है लेकिन वो लोग उसको छोड़ते भी नहीं है और मतलब रखते भी नहीं घर में, और इलाज कराने का भी खर्चा भी नहीं नहीं उठाते। हाँ। ये तो हमारे यहाँ ओपीडी में भी बहुत होता है। मैंने देखा है कि ज्योति मुझे बताती नहीं कि भाई मुझे बुरा ना लगे, गुस्सा ना चढ़े, पर मैंने देखा है यहाँ पे लोग आते हैं, सर्जरी करा लेंगे, उनको हम बताएंगे कि आपको ई कॉलर पहनाना होगा, नहीं तो जो डॉग है सर्जरी की साइड जो है वो चाट लेगा। लेकिन लोग जो हैं अपने पेट के लिए भी ई कॉलर जो हैं वो चाहते हैं कि हम फ्री दें। अब हमारे को डोनेशन में स्पेस के लिए आते हैं, हम अपने ओपीडी में सामान कैसे फ्री बांटना शुरू कर दें। तो इस तरह आपके पास हाँ। उसकी जगह बनी। जब जो ये केस लाए हैं वो पहले ही ऐसे एक और केस लेके आया था, और उस वक्त भी हमारी ये बात हुई थी कि आप एक बार इन्फॉर्म कर तो दिया उनको समझाया था। बहुत इस बार भी मैंने उनको फिर से रिक्वेस्ट ही किया है कि नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट एक बार कॉल कर लीजिए। तो मुझे पता है, देखो आपके लिए भी बुरा बनना मुश्किल है, इट्स हार्ड, बुरा बनना मुश्किल है, सलोनी के लिए भी बुरा बनना मुश्किल है। मैं ये कसम से मैं जजमेंट नहीं कर रहा, मेरी टोन पे मत जाओ, आई अंडरस्टैंड। अब मुझे आगे कर दिया करो क्योंकि मैं नहीं लेता रह सकता। ये सारे कैनल्स जो हैं ये सर्जरी के लिए बने थे, स्पेस सर्जरी के लिए। अच्छा, इसी में आपने 3 पपीज रखे हुए थे, आज वो चले गए हैं? नहीं, अभी अंदर ही हैं। अभी करना है। आहा, ओके। और उसके बाद अभी आपने एक पपी लिया था ना, जिसकी आपने गुरु को कहा कि शूट मत करना। मैं आपको बताता हूँ, ज्योति मैडम ने क्या किया कि भाई इनके पास एक केस आया, इसके बारे में इन्होंने कहा कि शूट मत करो, पहले उसके लिए घर ढूंढ लिया फटाफट, आप वो आज अडॉप्ट हो रहा है। दो कारण इनके, एक तो भाई मुझे ना पता लगे, खैर मुझे तो इन्होंने अडॉप्शन के बाद बता ही देना था कि आप सलोनी को पकड़ाओगे चटोरी को, और दूसरा ये जो मुख्य कारण था कि भाई जब से हमने देवी का क्रूएल्टी केस किया ना, तो अब हमारे को लोग क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ कुत्ता है लोग इसको मार देंगे, आप इसको ले जाओ। भाई हमारे पास जगह सीमित है, अभी ऑलरेडी मेरी और ज्योति की खटपट होती रहती है कि जो सारे इसने कैनल्स हैं ये स्पे के लिए बने थे, स्टरलाइजेशन हम करेंगे तो ही तो जनसंख्या काबू में आएगी, क्योंकि प्रशासन तो भाई स्टरलाइजेशन करता नहीं है, तो स्टरलाइजेशन हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कितने हम रेस्क्यूज ले लेंगे। हमें ग्रो से एक कॉल आई थी, एक गाय के लिए बच्चे को डिलीवर नहीं कर पा रही है, बच्चे के आगे वाले पैर बाहर आ गए हैं लेकिन उसका सिर फंस गया था। जब हम वहाँ जाके हमने उनका चेकअप किया तो हमें पता लगा कि उसका हेड टिल्टेड है और जो उसकी बर्थ कैनाल की कैविटी है वो छोटी है, जिस वजह से बच्चा फंसा हुआ है। सर्जरी की नीड हमें लग रही थी उस वक्त तक, लेकिन हमने फिर भी कोशिश कंटिन्यू रखी, कुछ ही देर में बच्चा हमने बाहर डिलीवर करवा दिया। लेकिन अफसोस ये था कि बच्चा डेड था, क्योंकि काफ़ी समय से बच्चा फंसा हुआ था, लेकिन मदर अभी बिल्कुल ठीक है और उसकी सारी मेडिकेशन हमने कंप्लीट कर दी है। जो बैल हमारे पास भाली से रेस्क्यू होके आया था, जिसके फ्रंट लेग में फ्रैक्चर है और बोन आगे निकली हुई थी, क्योंकि ये बहुत पुराना गांव था और फ्रैक्चर गलत तरीके से हील हो चुका था, तो जो बोन निकली हुई थी बाहर उसको हमने कट कर दिया है और अभी हम उसकी स्प्लिंटिंग कर रहे हैं और जो ओपन वुंड है उसकी रेगुलर ड्रेसिंग चल रही है। एक पपी और आया है जिसको प्रोलैप्स था लेकिन उसको मैगेट वुंड हो गया, क्योंकि 2 महीने से किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया, बाहर ही रहता था। जो प्रोलैप्स का इशू है अगर वो अभी भी है तो भी क्योर करेंगे, लेकिन पहला तो हम वुंड मैनेजमेंट ही देखेंगे। जो मैगेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड भी है और थोड़ा डायरिया भी लगा हुआ है, तो हमने फ्लूइड थेरेपी तो शुरू कर दी है और वो पार्वो भी अगर होगा तो उसमें भी हेल्प करेगी, और अभी हम इसको आइसोलेशन में ही रखेंगे। लोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि जब प्रॉब्लम छोटी है तभी बता दें। लोग ये नहीं देखते कि भाई अगर हमारे साथ ऐसा हो रखा होता तो हमें कैसा महसूस होता। हमारी नन्ही सी मसूरी जिसे रॉबिन धर्मकोट से रेस्क्यू कर लाए थे वो फाइनली अडॉप्ट हो चुकी है। पावना और भुवनेश जी जो कुटमान से है यहाँ पे आए थे और उसे अपने घर ले गए और वहाँ जाके उसने और भी नए दोस्त बना लिए हैं। और एक अब आपके पास काफ आया हुआ है।
उसकी क्या स्टोरी थी? सर उसको श्याम नगर से हमें कॉल आई थी उसके लिए, और जिस लेडी ने कॉल किया था उन्होंने बताया कि जो इसकी माँ थी वो भी वहीं की थी, स्ट्रेक आउट थी। माँ का पता ही नहीं कौन ले गया इसकी माँ को, लोगों को दूध अच्छा लगता है बच्चे बुरे लगते हैं, बच्चे छोड़ के चले गए और माँ को लेके चले गए इसकी। उसको फिर वहाँ पे जो जंगली डॉग अटैक कर रहे थे और उसके कुछ गले में काफ़ी स्वेलिंग है, मार्क्स है बाइट के, और अभी काफ़ी पेन में है, तो उसको हमने यहाँ पे पीछे रखा हुआ है। जो एक चीज़ हम नहीं करेंगे, इस काफ को मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता, हमारे पास जगह नहीं है। एंड ये आपके वर्ड्स हैं जब मैं अष्टमी का अडॉप्ट कर रहा था, ठीक है? तो इनका इसको जहाँ जाना है भाई, जो लोग दूध पीते हैं, जहाँ जिन्होंने कॉल की है, आप उनसे बात कर लेना कि इसका क्या करना है, मेरे पास कोई समाधान नहीं है। वैसे तो होना क्या चाहिए कि ये जो स्ट्रे काउज जो घूमती हैं इनका भी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए, पर जब डॉग्स का स्टरलाइजेशन जो है प्रशासन नहीं चला रहा तो गाय का तो खैर नंबर आएगा नहीं। और प्रशासन को मैं क्या कहूँ, हम लोग ही हम लोग भी स्टरलाइजेशन पे नहीं फोकस कर पा रहे, क्योंकि क्या है, हम लोग इस काम में इसलिए हैं क्योंकि हम इमोशनल हैं थोड़ा, है ना, एम्पथी है। तो भाई डॉग की प्लाइट देखी, ले आए, सामने जो है उसको ट्रीट कर दिया, जो कि एक अनफेयर बात है, क्योंकि अगर हम स्टरलाइजेशन करेंगे तो हम हंड्रेड्स ऑफ केसेस एक सर्जरी से बचा रहे हैं, क्योंकि भाई ना वो 8 बच्चे होंगे, ना उसमें से 7 मरेंगे, एक फिर प्रेग्नेंट होगी, फिर वो 8 बच्चे करेगी, इस तरह करते करते हंड्रेड्स ऑफ केसेस हम एक सर्जरी से बचा सकते हैं। ये लेकिन लॉजिकल थॉट प्रोसेस, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई वो ये मानसी जी खुजली वाला डॉग ले आई है, अरे भाई उस केस को क्रुएलिटी हो गई है, और जो सामने है उसको सारी अटेंशन मिलती है, जो दूर हो रहा है उसको कोई नहीं देखता, यही हाल। इसीलिए भाई लोग हैं, एनिमल लवर हैं, लेकिन डेरी आंखों के परे हो रही है, बकरे आंखों से परे कट रहे हैं, मुर्गी आंखों से परे कट रहे हैं, तो भाई वो सब हो जाने दो, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। स्टरलाइजेशन मैडम आप प्लीज़ शुरू करा दो, ठीक है? विच मीन्स कि आपके जो 3 अडॉप्टेबल डॉग्स आपने सर्जरी कैनल में रखे हुए हैं, वेल्डर आ गया था? हाँ हो गया सर काम, कल काफ़ी लेट तक इवनिंग में काम चला, तो इस वजह से मैं उस टाइम पे इंटीग्रेट नहीं करा पाई, अभी मॉर्निंग में हमारा इनरिचमेंट चलता है, अभी हो जाएगा। और वो भी आया था, कारपेंटर भी आया था जो मुर्गियों के बनाने थे, जी, बन गए वो? हाँ वो सारा कुछ बन गया है, बस पेंट होना बचा है अंदर में, बाकी सब कुछ रेडी है, तो जो चिकन्स आने हैं वो कितने अब आपके अपार्टमेंट से बन गए ना आपके चिकन्स? हाँ अराउंड 9 तो हमारे ऐसे बॉक्स बन गए हैं छोटे, और जो पहले का था वो अलग है, 4 आई थिंक 12 के हो जाने चाहिए। हाँ। जो साहिल और हमने डिज़ाइन किया था 15 की जगह थी, पर उसने फिर कहा था 1 अटक रहा है। हाँ। तो 12 मुर्गे तो आएंगे, और चूचू का तो मैंशन ही अलग है ना। चूचू को फिर भी सर हम लोग सोच रहे थे कि हम उसको एक बार और कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले क्या था हम उनको बाहर नहीं निकालते थे रूम से, अब तो बाहर छोड़ दिया। हाँ। है तो अब एक बार बाहर रख के देखेंगे, लेकिन मेरे को एक डाउट था क्योंकि वो देसी चिकन्स हैं, वो लोग नहीं उड़ते हैं, वो लोग नहीं जाते हैं कहीं, लेकिन ये जो है रूस्टर नहीं हमारा ये। हाँ। वो भाग सकता है क्या, मतलब ये वाले टिकते हैं उस सेम जगह पे? मेरे को तो सिर्फ जीवन के पहले 17 साल मुर्गे खाने का एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा पता करती हूँ, उसके बाद फिर बाहर छुड़वाएंगे इसको, ठीक है? एक बार तब से अब तक फिर अब बचाने का अनुभव है, लेकिन इनकी के उड़ के चले जाएंगे इस बारे में नहीं पता। हमने एक बैल रेस्क्यू किया है शाहपुर से, और इसके लिए दीपक जी ने हमें कॉल किया था, वो पिछले 3-4 दिनों से इसको ध्यान में रखे हुए थे और उसको खाना वाना दे रहे थे, ग्लूकोज वगैरह करवा रहे थे जितना उनसे हो पा रहा था। इसका जो फ्रैक्चर है वो हील्ड फ्रैक्चर है, और यहाँ पे स्वेलिंग बहुत है, जो कैलस फॉर्म हुआ है जिस जगह पे ज़्यादा वहाँ पे उठने और बैठने के टाइम पे जो रगड़ लगती है उस वजह से घाव बन गया है। समर टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें मैगेट वॉर्म ईजिली हो जाएगा, तो इस वजह से इसको किसी की केयर में ही रखना पड़ेगा। 2-3 दिन पहले चूचू को चोट लग गई थी, पता नहीं किस चीज़ से लगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्लड स्पॉट देखे तब हमें पता चला, और अभी उसकी ट्रीटमेंट चल रही है रेगुलर, हम इसकी ड्रेसिंग कर देते हैं। हमने भाली से एक डॉग रेस्क्यू किया है जिसके पिछले दोनों पैर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं, वो बुरी तरीके से क्रश्ड हैं, हमें साफ कारण नहीं पता कि ये कैसे हुआ। जब हम वहाँ पहुँचे और हमने देखा तो वो खड़ के उस पार था, हमारे जो टीम है उनको पूरा खड क्रॉस करके जाना पड़ा उस डॉग को लाने के लिए। अब जब हमने उसका डायग्नोसिस किया है तो हमें ये पता चला है कि एक पैर उसमें एम्पूटेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो बुरी तरीके से डैमेज्ड है, वहाँ पे बोन बची नहीं है ठीक से, और जो उसका दूसरा पिछला पैर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्स हैं, कि हम पहले उसके एम्पिटेशन सर्जरी करेंगे और देखेंगे कि दूसरा पैर वो मैनेज कर पाता है कि नहीं। ये जो आपके साहब बाहर नहीं आ रहे, सनी देओल, फीमेल है सर? अच्छा, वाह फीमेल, जी आई जेन।
ये राधा हैंडल कर रही है इसको। हाँ सर, ये केस बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है ना डॉग। जिस दिन ये आया भी था उस दिन भी बहुत तकलीफ हुई थी। हैंडल कैसे? सर अभी तक तो हम लोग वो कोलन रोप यूज करना पड़ रहा है क्योंकि अभी ये बहुत मुश्किल है इसको हैंडल करना। हालांकि उसका स्ट्रेस थोड़ा कम करने के लिए हम लोग, राधा दी रहती है साथ में और वो बात करते करते ट्रीटमेंट आराम से कर लेती हैं। हम लोगों को भी डर लग रहा था ना कि वो छूट ही गई तो वो किसी ना किसी को काटेगी, लेकिन उस टाइम पे आई डोंट नो हाउ बट राधी ने कितना बात करते करते सबको पीछे करके उसको मज़ल किया ना। वो खुद डर रहे थे लेकिन उस टाइम पे किया उन्होंने, लेकिन वो वर्क भी किया ना वो चीज़। मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने राधा को हमेशा उसके बच्चों के साथ देखा है। हम राधा को ये नहीं कह सकते कि राधा यहाँ के डॉग्स को ऐसे ट्रीट करो जैसे आपके बच्चे हो, हम उसको राधा को उल्टा कह सकते हैं कि राधा अपने बच्चों के साथ ऐसे करो जैसे आप यहाँ के डॉग्स को जिस हिसाब से वो हैंडल करती है, मतलब अमेजिंग। लेकिन वो वैसे ही मैंने देखा है मोस्टली डॉग्स उनके साथ मतलब नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि हमें एक फर्स्ट सेकंड डे के अलावा कभी उन पे वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती करनी पड़ती हैंडलिंग के लिए, ग्लव्स या कुछ भी नहीं। एक आधे रेयर केसेस ऐसे होते हैं लेकिन मोस्टली केसेस राधी अकेले ही करती हैं डॉग्स को हैंडल और वैसे ही बात करते करती हैं तो वो उस। लेकिन ऐसा है ना कि लोग ऐसे सोचते होंगे नहीं हो जाएगा हो जाएगा, उनका एक्सपीरियंस भी उतना है ना, लाइक वो इतने टाइम से डॉग्स के साथ काम करी इसलिए उनको पता है कि वो कब और कैसे अटैक कर सकता है, तो वो चीज़ भी एक प्लस पॉइंट है। तो अगर आपको भी डॉग बिहेवियर का जानना है, जैसे अभी मेरे साथ कोई लाइव था तो वो पूछ रहे थे कि आपको डर नहीं लगता, मैंने कहा भाई मैं तो जाता नहीं, ये लोग जाते हैं, ऑफकोर्स इन्हें डर लगता है, पर अनुभव ज़रूरी है। देन राइट इक्विपमेंट भी कई बार ज़रूरी होता है, जैसे आप लोगों के पास वो ग्लव्स हैं या नेट है, तो अगर आप ये सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो बेस्ट है कि किसी एनिमल रेस्क्यू के साथ आप वॉलंटियर करिए। जो पपी हमारे पास निफ्ट कांगड़ा से आया था जिसको प्रोलैप्स का इशू था और प्रोलैप्स बढ़ते बढ़ते फिर वहाँ मैगेट्स लगे और मैगेट्स की वजह से पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा बड़ा एक मैगेट वूंड हो गया था। हमने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी हुई थी। पपी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड था क्योंकि बहुत समय से उसको ठीक से खाना नहीं मिला था, उसका इम्यूनिटी बहुत डाउन था और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने की वजह से ट्रीटमेंट के बावजूद 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। बम्पी को हमने धर्मशाला से रेस्क्यू किया था। जब इसे रेस्क्यू किया गया था इसके पैर में जेसीबी चढ़ने की वजह से फ्रैक्चर हुआ था। हमने शाहपुर में प्रॉपर चेकअप के बाद इसकी प्लास्टरिंग वहीं से करवाई थी और प्लास्टर 45 डेज हमने रखा। उसके बाद प्लास्टर ओपन करने के बाद इसको 2 हफ्ता यहाँ पे पैर ताकि इसका ठीक से सेटल हो जाए और ये अच्छे से वॉक करने लगे, इसको और थोड़ा रेस्ट दिया। अब ये पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और आज हम उसको रिलीज करने जा रहे हैं। इस पपी को सुलियाली से रेस्क्यू किया गया है। जो पीछे वाला हिप वाला एरिया वहाँ पे डिसलोकेशन है जो कि पपीज में करेक्ट किया जा सकता है क्योंकि अभी बोन ग्रोइंग स्टेज पे होती है और तो कहीं इसको एक्सटर्नल चोट नहीं है, बस इंटरनल इशू है इसका और अभी ट्रीटमेंट इसकी शुरू हो गई है और ये जैसे ही ठीक होगा वैसे अडॉप्शन के लिए रेडी हो जाएगा। पीछे देव को पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हुआ क्या उसको? तो अच्छी रिकवरी कर रहा था, राइट? ट्यूमर वगैरह उसका सब खत्म था, सब ठीक हो गया था। बाहर से ट्यूमर था स्किन पे बहुत सारा खत्म था पर वो अंदर भी फैल चुका था, मतलब लंग्स उसके पूरे खराब थे, प्लस उस पर मेटास्टाइज हो गया था, वो लिवर में भी हो रहा था, किडनी में भी हो रहा था, स्किन में भी हो रहा था। मतलब अगर लेमैन शब्दों में कैंसर अंदर तक फैल गया था, उसका जो बाहर का था वो हमने वो करिएगा, जो हमने कास्ट्रेशन करी उसकी वो तो अनरिलेटेड थी, लंग्स में सॉरीनेस भी काफी फ्रॉड थी और पूरे डैमेज थे, एक भी लोग ठीक नहीं था, तो स्पेशली के लिए की वजह से। बल्कि ये तो अच्छा अगर थोड़ा ये डिले हो जाता, कहीं हम अडॉप्ट करा देते उसको, उसको बंदे को कहता वो बुरा लगता। अंदर क्या चल रहा है हमें क्या पता ना। जिस बैल को हम धर्म से रेस्क्यू करके लाए थे उसको हमने शाहपुर भेजा था और वहाँ डॉक्टर ने बताया है कि जैसे इसका वुंड एक बार ठीक हो जाए, थोड़ा इन्फेक्शन क्लियर हो जाए, उसके बाद हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं। जिस हिस्से में कट हुआ है वो आगे वाला पोर्शन है, उसको कट कर देंगे और जो यूरिनरी ट्रैक जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे एक ओपनिंग हमें बनानी पड़ेगी यूरिन पास करने के लिए। जिस डॉग को हमने भाली से रेस्क्यू किया था उसके पिछले दोनों पैर बुरी तरीके से क्रश्ड थे और काफ़ी ज़्यादा पुरानी इंजरी थी। हमने ट्रीटमेंट तो शुरू कर दी थी लेकिन घाव पुराना होने की वजह से इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका था और उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। हमने सुलियाली से एक पपी रेस्क्यू किया था जिसको पिछले पैर में नर्व डैमेज था, उसके दोनों पिछले पैर बैलेंस नहीं कर पा रहा था, हालांकि उसमें सेंसेस अच्छे से थे। उसकी ट्रीटमेंट तो ठीक तरीके से बनी हुई थी और इम्प्रूवमेंट भी हमें नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से और उसको सही तरीके से माँ का दूध नहीं मिला था और ये बहुत छोटा था, इस वजह से हम उसे नहीं बचा पाए। अभी हम शमशेर का कैस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमने साथ में ही अफ्रीका है जो बड़ा वाला बोले जिसके हेड में इंजरी थी और साथ में भाई साहब, ये दोनों को अभी कैस्ट्रेशन कर दिया है क्योंकि अब इनके रिलीज करने का समय पास आ गया है। तो साथ ही में ये कैस्ट्रेशन की वजह से जो थोड़ा पेन होगा इनको कुछ दिन,
वो भी सेटल हो जाए पेन किलर्स के साथ और वुंड भी हील होता रहे और हम साथ में फिर उनको बाद में रिलीज कर सकेंगे। इस काम में हमें नेगेटिव फीडबैक इतना मिलता है ना, जिसमें मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है क्योंकि फीडबैक जिस भी तरह का हो हमें इम्प्रूव करने में हेल्प मिलता है। पर नेगेटिव के चक्कर में मेरा पॉजिटिव फीडबैक पे ध्यान बहुत कम जाता है। मुझे हमेशा लगता है भाई पॉजिटिव फीडबैक तो ये है कि थोड़ा उसमें फील गुड है पर इसकी यूटिलिटी क्या है। पर कल हमारे टीम के एक मेंबर ने शाम को आके मुझे थैंक्स कहा। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि बस इस जगह के लिए थैंक्स। तो मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब पॉजिटिव फीडबैक से आपको ये पता लगता है कि आप कुछ सही कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो जब उसने मुझे थैंक्स कहा तो मुझे समझ में आया कि हम क्या सही कर रहे हैं, और वो इंसान हज़ारों सालों से करता है। देखिए, इंसान जानवरों से ना तो ताकतवर है, ना ज़्यादा तेज़ है, ना हमारे सूंघने की शक्ति ज़्यादा है, पर इंसान जिस चीज़ में अच्छा है वो है कि इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं, एक ट्राइब बना लेते हैं। और हमने भी यहाँ पे पीपल फार्म में एक मकसद के लिए एक ट्राइब बना ली है, एंड थैंक्स कि आप भी उस ट्राइब से जुड़े हुए हैं।